हल्द्वानी में बीते दिन सब्जी मंडी में एक दुकानदार ने ट्रक ड्राइवर की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, दुकानदार और उसके साथियों ने ट्रक चालक के गले में रस्सी बांधकर उसका गला भी दबाया, जिस वजह से वो बेहोश हो गया। कारण बस इतना था कि वाहन चालक सब्जी विक्रेता के दुकान के सामने से ट्रक मोड़ा था। वाहन चालक ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। जानकारी के मुताबिक घटना बीते शाम मंडी परिसर की है। पीड़ित अनिल कुमार मंडी में अपने ट्रक को मोड़ आता, तभी एक दुकानदार वाहन चालक को गालियां देने लगा। अनिल ने जब इसका विरोध किया तो दुकानदार ने अपने साथियों के साथ रस्सी से उसका गला घोटने की कोशिश की। सांस रुकने की वजह से अनिल मौके पर बेहोश हो गया, जिसके बाद मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। अनिल को उपचार के बाद जब होश आया तो उसने पुलिस थाने में जाकर दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं दूसरी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आ रही है, जहां मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जंगलों में कुछ दिनों से एक बाघ घुसाया है, जिसने अभी तक दो गायों को मार दिया है। वन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बीते सोमवार को बाघ मैनेट परिसर में घुसाया था, जिसके बाद बाघ की तलाश शुरू की गई। विभाग की टीम को बीते शनिवार को परिसर के पास मौजूद झील के पास से बाघों के पैरों के निशान मिले। इस बाघ ने अब तक दो गायों को अपना शिकार बनाया है, जिसके बाद से ही लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि संस्थान क्लासेस रेगुलर चल रही है, क्योंकि वन विभाग ने लोगों को बताया कि टाइगर का मूवमेंट छात्रों और इंसानी चहल पहल इलाके से दूर है। साथ ही विभाग द्वारा छात्रों को हिदायत दी गई है कि अंधेरा होने के बाद कोई भी परिसर से बाहर न जाए। बाघ के हमलों के बाद से परिसर में मौजूद सभी गायों को नगर निगम की मदद से परिसर के बाहर शिफ्ट किया जा रहा है।